वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं काफ़ी दिनों से ये वीडियो बनाने के बारे में सोच रही थी। आज तो आज की वीडियो में हम आपको लड्डू गोपाल जी का मेकअप करने वाले हैं। दो नंबर के लड्डू गोपाल जी हैं और ये छोटी सी प्यारी सी लड्डू गोपाल जी आए हैं केरला से। तो आज की वीडियो में हम इनका मेकअप भी करके बताएंगे और आपको बताएंगे जैसे ही हमारे पास लड्डू गोपाल जी आप भेजते हैं रिसीव होने के बाद क्या प्रोसीजर रहता है इनके मेकअप का। और इनके मेकअप से पहले हम एक स्पेशल रिचुअल फॉलो करते हैं, वो भी आपको बताएंगे। और साथ में आप मेकअप का भी पूरा प्रोसेस देखिएगा। लास्ट में हम कान्हा जी की स्टोरी भी बताएंगे कि इन लड्डू गोपाल जी जो प्यारे से आए हैं हमारे पास, इनके पीछे क्या स्टोरी है। जुड़िए रहिएगा हमारे चैनल के साथ और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जैसे हमें कान्हा जी, राधा रानी या अदर डिवोटीज रिसीव होते हैं तो उन्हें जल भोजन अर्पित करने के बाद विश्राम करवाते हैं और हमारे घर के जो ठाकुर जी हैं उनके साथ खेलने के बाद ठाकुर जी को हम मेकअप के लिए ले जाते हैं। मेकअप के दौरान हाथ जोड़कर प्रार्थना की जाती है कि हे प्रभु, हम आपका मेकअप करने लगे हैं तो मेकअप के दौरान कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज़ हमें माफ़ करिए और आप प्लीज़ किसी दूसरे विग्रह में चले जाएं या बाहर खेलने के लिए चले जाएं ताकि मेकअप के दौरान आपको कष्ट ना हो। ये प्रार्थना करने के बाद मेकअप का प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। आपने पहले लड्डू गोपाल जी का मेकअप कभी नहीं किया है तो आप ये पार्ट स्किप कर सकते हैं। इसकी जगह आप डायरेक्टली पहले फेस मेकअप पे आईज मेकअप और लिपस्टिक और माला का एक डिज़ाइन बना सकते हैं। करते हुए अगर कोई लाइन गलती से ड्रॉ हो जाए तो उसे कॉटन बर्ड की सहायता से आप साफ कर सकते हैं। व्हाइट पीस लगाने से ये फायदा होता है कि मेकअप लंबे समय तक टिका रहता है। ये बेस मेकअप को सूखने में 2 घंटे मिनिमम लगते हैं और 3 से 4 घंटे अच्छी तरह से सेट होने में लगते हैं। एक बार बेस अच्छे से सेट हो जाए, ड्राई हो जाए, उसके बाद ही कलर के साथ हम टॉप कोट करेंगे। मैंने वीडियो को फास्ट एंड फॉरवर्ड किया है, परंतु जब भी आप मेकअप करें तो इसे बहुत सावधानी और पेशेंस के साथ करें क्योंकि एक भी लाइन गलत ड्रॉ होने पर सारा दोबारा से मेकअप लुक ख़राब होने के बाद दोबारा सेट करना पड़ता है। इसलिए बहुत पेशेंस से आराम से बैठ के श्रृंगार करें। आईज मेकअप के लिए बिल्कुल बारीक ब्रश का यूज़ करेंगे। 000 ब्रश ले सकते हैं और ये देखना बहुत ज़रूरी है कि इसके ब्रिसल्स बिल्कुल एक जैसे हों, बड़े छोटे ना हों, ताकि लुक और फिनिशिंग अच्छी आए। अच्छे ब्रश और अच्छे कलर का ही यूज़ करिए ताकि ग्रेसफुल लुक आए।
जब भी मेकअप अप्लाई करें तो दो लेयर्स कभी भी इकट्ठे ना लगाएं, पहले वाली लेयर सूख जाने के बाद ही दूसरी लेयर अप्लाई करें। तो लीजिए, हो गए प्यारे से ठाकुर जी तैयार और ये अब जाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। इनका भोग भी लग चुका है और इन्हें गिफ्ट भी दे दिया गया है। ठाकुर जी को जो डियर डिवोटी हमारे पास लेके आए हैं, उनके इन लॉज और मायका परिवार दोनों केरला से बिलोंग करते हैं और यहाँ पे उनके हस्बैंड रहते हैं क्योंकि उनके हस्बैंड की जॉब है यहाँ। डियर डिवोटी जिन्होंने कान्हा जी को हमारे पास मेकअप के लिए पहुँचाया, उनके दो बच्चे हैं और कान्हा जी को भी उन्होंने अपने बालक के समान, बच्चे के समान ही पाला पोसते हैं, वैसे ही प्रेम करते हैं। तो इस बार वो फैमिली, फुल फैमिली जा रहे हैं केरला में और जन्माष्टमी भी वहीं पे सेलिब्रेट करेंगे। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आप भी अपने ठाकुर जी को हमारे पास मेकअप के लिए भेजना चाहती हैं तो मुझे इंस्टाग्राम हैंडल पे DM कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर